सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप मैदा, 1 चुटकी नमक, 1.5 कप चीनी, अराउंड 1 कप सूजी, 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, मैंने यहाँ पे खोया के बदले मिल्क पाउडर लिया है, 3/4 कप ग्रेटेड कोकोनट, 1/2 कप स्लाइटली क्रस्ट रोस्टेड मूंगफली और 1/2 कप किशमिश और 300 से 350 ml रिफाइन ऑयल। तो सबसे पहले हम गुजिया के लिए डो तैयार कर लेंगे और इसके लिए हम मैदे में 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल, आप इसके बदले घी भी ऐड कर सकते हो। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको तब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक ना मैदा ऐसे बाइंड होने लगे। मैदा और तेल बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। मैदे को बहुत अच्छे से नीट करके हम एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। डो हमने बना लिया है, अब इस डो को हम एक गीले कपड़े से 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। डो के सेट होने तक हम इसके स्टफिंग को बना लेते हैं और इसके लिए हम ग्रेटेड कोकोनट को कढ़ाई में मीडियम फ्लेम में लाइट ब्राउन कलर आने तक रोस्ट कर लेंगे। कोकोनट का कलर जब ऐसे लाइट ब्राउन हो जाए तब हम इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून ऑयल या फिर घी डालेंगे और इसको हीट कर लेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में। सूजी फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर। थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, रोस्टेड मूंगफली और किशमिश को भी हम ऐड कर लेंगे। अब इन सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड ग्रेटेड कोकोनट, इसको मिक्स कर लेंगे और 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। पानी को मिक्स कर लेंगे और सूजी को हम तब तक कुक करते रहेंगे जब तक ना ये एकदम ड्राई हो जाए। स्टफिंग तैयार हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा कर लेंगे। स्टफिंग जब ठंडा हो जाए तब हम गुजिया बनाना स्टार्ट करेंगे। हम इस डो से स्मॉल साइज कुछ बॉल्स बना लेंगे। इसको बेलने से पहले हम थोड़ा सा ड्राई मैदा ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसको बेल लेंगे। इसको बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं। अगर आपके पास गुजिया बनाने का मोल्ड ना हो तो आप ऐसे एक मीडियम साइज कटोरी से इसको कट कर सकते हैं। इससे सारी गुजिया सेम साइज के बनेंगे। साइड में जो एक्स्ट्रा है इसको हम निकालेंगे। अब हम इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून स्टफिंग भर लेंगे। इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसका जो साइड है इसको फिंगर टिप से ऐसे हल्के से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए।
और डिज़ाइन बनाने के लिए हम फोक से इसके एजेस को ऐसे हल्के से प्रेस कर लेंगे। इससे गुजिया में डिज़ाइन भी बन जाएगा और ये अच्छे से सील भी हो जाएगा। सेम प्रोसेस में हम बाकी गुजिया भी बना लेंगे। गुजिया को तलने से पहले हम इसका शुगर सिरप तैयार कर लेंगे और इसके लिए हम एक कढ़ाई पे या फिर सॉस पैन पे 2 कप पानी ले लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप शुगर। शुगर को हम मेल्ट होने देंगे और इसको हम तब तक हीट करते रहेंगे जब तक ना ये स्टिकी हो जाए। शुगर सिरप तैयार होने तक हम गुजिया को फ्राई कर लेंगे। हम कढ़ाई में तेल ऐड कर लेंगे और तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल के गर्म होने के बाद हम एक एक करके गुजिया को इसमें डालेंगे। गुजिया को हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। गुजिया फ्राई हो चुका है, अब हम इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस में हम बाकी गुजियों को भी ऐसे डीप फ्राई कर लेंगे। शुगर सिरप तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें गुजिया को ऐड करेंगे। गुजिया को हम 1 से 1.5 मिनट के लिए शुगर सिरप में सोक करके रखेंगे। फिर उसके बाद इसको टर्न करके इसका दूसरा साइड भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए सोक करेंगे। तो दोस्तों, गुजिया तैयार हो चुका है, तो अब इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को सर्व कर लीजिए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।